आज का टॉपिक है एरोप्लेन के कॉकपिट के बारे में जानें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हवाई जहाज़ के अंदर फ्लाइट डेक या कॉकपिट और यहाँ मौजूद सभी ज़रूरी उपकरण के बारे में पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। ध्यान दें, इस चैनल में एरोप्लेन के सिस्टम और ट्रेनिंग से रिलेटेड बहुत से वीडियो आपको मिलेंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कॉकपिट या फ्लाइट डेक एरोप्लेन के अगले भाग के निकट वह क्षेत्र होता है जिससे पायलट वायुयान पर नियंत्रण रखता है। फ्लाइट डेक फ्लाइट क्रू के वर्कलोड को कम करने और आसान बनाने के लिए होता है, क्योंकि इसमें सभी सिस्टम कंट्रोल के लिए उपयुक्त जगह निर्धारित होता है, जिससे पायलट को किसी भी सिस्टम के कंट्रोल को खोजने में आसानी होती है। कुछ छोटे एरोप्लेन को छोड़ करके अधिकांश आधुनिक कॉकपिट बंद होते हैं और बड़े वायुयानों में कॉकपिट भी भौतिक रूप से केबिन से अलग होते हैं। कॉकपिट से ही एरोप्लेन को जमीन पर और हवा में कंट्रोल किया जाता है। 1914 में पहली बार हवाई जहाज में पायलट के कक्ष के लिए कॉकपिट शब्द का प्रयोग हुआ था। वायुयान के कॉकपिट के इंस्ट्रूमेंट पैनल में उड़ान संबंधी सभी इंस्ट्रूमेंट और कंट्रोल शामिल होते हैं, जो पायलट को एरोप्लेन को उड़ाने में सहयोगी बनाते हैं। अधिकांश वायुयानों में एक दरवाज़ा कॉकपिट को यात्री कक्ष से अलग करता है। 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमले के बाद सभी हवाई कंपनियों ने कॉकपिट को अपहरणकर्ताओं के प्रवेश को रोकने के लिए उपयुक्त सिस्टम बनाया हुआ है। बड़े विमानों में कॉकपिट को फ्लाइट डेक के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉकपिट के अंदर जरूरी समझे जाने वाले उड़ान संबंधी उपकरण के डिस्प्ले के बारे में जान लेते हैं, जिसके अंतर्गत ये सब आते हैं। MCP, PFD, ND, EICAS, FMS, CDU, बैकअप उपकरण जैसे कि कंपास, इंटीग्रेटेड स्टैंडबाय इंस्ट्रूमेंट सिस्टम। अब हम इन सब के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। MFD, जिसका पूरा नाम मल्टी फंक्शन डिस्प्ले है, जो पायलट के सामने एक लंबे सक्रिय पैनल के बीच में स्थित होता है। इसका उपयोग हेडिंग, स्पीड, एल्टीट्यूड, वर्टिकल स्पीड, वर्टिकल नेविगेशन और लेटरल नेविगेशन को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग ऑटो पायलट और ऑटो थ्रॉटल दोनों को इंगेज या डिसइंगेज करने के लिए भी किया जा सकता है। इस जगह के पैनल को ग्लेयर शील्ड पैनल के नाम से भी जानते हैं। MFD का पूरा नाम मल्टी फंक्शन डिस्प्ले है, जबकि FCU का पूरा नाम फ्लाइट कंट्रोल यूनिट है। MFD या फिर FCU दोनों का कार्य लगभग सेम होता है। ये विभिन्न ऑटो फ्लाइट फंक्शन के सिलेक्शन और पैरामीटर सेटिंग की अनुमति प्रदान करते हैं। अब PFD के बारे में। PFD, जिसका पूरा नाम प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले है, ये आमतौर पर एक प्रमुख स्थान पर स्थित होता है, या तो कॉकपिट के सेंटर में या फिर कॉकपिट के किसी एक साइड में होता है। अधिकांश स्थितियों में इन सब पैरामीटर को यह दर्शाता है, जैसे कि ASI, जिसको विस्तार में एयर स्पीड इंडिकेटर कहते हैं, और एल्टीट्यूड इंडिकेटर को एटीट्यूड इंडिकेटर को VSI को, जिसको विस्तार में वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर कहते हैं। कई स्थितियों में यह हेडिंग इंडिकेटर को और ILS VOR डेविएशन इंडिकेटर को भी शामिल करता है। पायलट अपनी इच्छा के
और सुविधा के अनुसार पीएफडी डिस्प्ले को एनडी डिस्प्ले के पैरामीटर के साथ अदला बदली कर सकता है। अब हम बात करेंगे एनडी के बारे में। इसको नेविगेशन डिस्प्ले के नाम से भी जानते हैं, जो पीएफडी के समीप होता है। यह नेविगेशन से संबंधित डाटा को प्रदर्शित करता है, जैसे कि रूट एंड इंफॉर्मेशन ऑन द नेक्स्ट वे पॉइंट, और ये विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन के संबंध में जानकारी को भी दर्शाता है। एनडी डिस्प्ले के डाटा को पीएफडी डिस्प्ले से अदला बदली करने के लिए पायलट इसका चुनाव कर सकता है। अब मैं बताता हूँ ईकास एंड ईकैम के बारे में। ईकास और ईकैम दोनों का वर्क लगभग सेम होता है। ईकास, जिसका पूरा नाम इंजन इंडिकेशन एंड क्रू अलर्टिंग सिस्टम है, जो कि यूज होता है बोइंग कंपनी के एरोप्लेन में, और ईकैम, जिसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रलाइज्ड एयरक्राफ्ट मॉनिटर है, ये एयरबस कंपनी के एरोप्लेन में यूज होता है। ये पायलट को इन सब चीज़ों की जानकारी और निगरानी करने की अनुमति प्रदान करता है। वैल्यूज फॉर N1, N2 एंड N3, फ्यूल टेम्परेचर, फ्यूल फ्लो और इलेक्ट्रिकल सिस्टम, कॉकपिट या केबिन टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड कंट्रोल सरफेसेस, और ऐसे ही अन्य सभी। पायलट जब चाहे सेलेक्ट डिस्प्ले का बटन प्रेस करके इन सभी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले पर शो कर सकते हैं। अब FMS के बारे में। FMS या CDU को फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम या कंट्रोल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। ये पायलट द्वारा इन सब सूचनाओं को दर्ज करने और उसकी जांच करने के लिए किया जाता है, जैसे कि फ्लाइट प्लान, स्पीड कंट्रोल, नेविगेशन कंट्रोल और ऐसे ही अन्य सभी को। अब बैकअप इंस्ट्रूमेंट को समझ लेते हैं। बैकअप इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो किसी अन्य उपकरण के फेल हो जाने पर यूज करते हैं, जैसे मैग्नेटिक कंपास और ISIS। ISIS का पूरा नाम इंटीग्रेटेड स्टैंड बाय इंस्ट्रूमेंट सिस्टम है। ये बैटरी के पावर से ऑपरेट होते हैं। ये इन सब पैरामीटर को शो करता है। इसेंशियल फ्लाइट इंफॉर्मेशन को, जैसे कि स्पीड, एल्टीट्यूड, एटीट्यूड और हेडिंग को। अब मैं फ्लाइट डेक में उपस्थित सभी पैनल के कंपोनेंट के बारे में एक एक करके बताऊंगा, जो कि बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से समझें। यह है ग्लेयर शील्ड पैनल। इसमें उपस्थित सभी कंपोनेंट को एक एक करके बताता हूं। ये है मैप लाइट कंट्रोल। ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड में होते हैं। ये है मास्टर वार्निंग एंड कासन लाइट एंड रीसेट स्विचेस। ये है डाटा अपलिंक, एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड कैंसिल स्विचेस। और ये बीच में है मोड कंट्रोल पैनल। ये है इफिस कंट्रोल पैनल। ये है डिस्प्ले सेलेक्ट पैनल। और ये है माइक्रोफोन स्विचेस। आफ्टर दैट क्लॉक स्विचेस। ये है स्टैंड बाय इंस्ट्रूमेंट। ये है अपर सेंटर डिस्प्ले यूनिट। और ये लोअर सेंटर डिस्प्ले यूनिट है। ये क्लॉक है। ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड में होता है। ये लेफ्ट आउटबोर्ड डिस्प्ले यूनिट है, जिसको पीएफडी भी कहते हैं।
ये लेफ्ट इनबोर्ड डिस्प्ले यूनिट है, इसे NDV कहते हैं। ये राइट इनबोर्ड डिस्प्ले यूनिट है, इसे PFD कहते हैं। ये राइट आउटबोर्ड डिस्प्ले यूनिट है, इसमें ND का डाटा शो होता है। और ये है दोस्तों FMC सेलेक्टर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। आप सब ने वीडियो पूरी देखी है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हर पल शुभ हो।